हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमस्ते कनाडा। मैं हूं नीरज। अभी की जो वीडियो है ये द श्याम शर्मा शो से ली गई है और इसका टाइटल है हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन अडानी एंड अटैक ऑन इंडिया। तो इसके बारे में मैं पहले दो वीडियोस बना चुका हूं, अगर आपने वो चेकआउट नहीं की तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बॉक्स पे मिल जाएगा, पहले वो आप चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या डिस्कस किया गया है, अपने विचार उसके बारे में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Hindenburg Research putting out a market moving call on Adani Group. It's the family owned businesses of Asian billionaire Gautam Adani. India's Adani Enterprises is facing unprecedented turmoil. Its shares have plunged by nearly 20%. Markets are under a lot of pressure and Adani Group stocks, they are falling in trade today. Hindenburg said Adani pulled off the largest con in corporate history. It says Adani companies did a brazen stock manipulation. 1937 में अमेरिका में एक हिंडनबर्ग डिजास्टर हुआ था और जिस तरह 1937 में हिंडनबर्ग का ब्लिम्प आसमान से जमीन पर गिरा था, उसी तरह से 2023 के हिंडनबर्ग डिजास्टर में अडानी जी का स्टॉक आसमान से जमीन पर गिर रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी पर कुछ बहुत बड़े आरोप लगाए हैं और अडानी ने अपने रिस्पॉन्स में इसे भारत के ऊपर एक अटैक और भारत के खिलाफ एक कंस्पिरेसी बोला है। तो क्या सच है, क्या झूठ है और क्या ये भारत का नाम खराब करने के लिए एक कॉन्ट्रोवर्सी है, ये पता करते हैं। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जानने से पहले पता करते हैं कि भैया ये हिंडनबर्ग है क्या। Hindenburg Research website says it specializes in forensic financial research. It says it has decades of experience in the investment management industry. An Indian Express report says that over the last few years, Nate Anderson, the founder of Hindenburg, has published critical research and analysis of alleged corporate fraud that have triggered investigations and regulatory action. A Bloomberg report even says that over the past few years, Nathan Anderson has made a name with analysis that sends stocks sinking. ये एक फर्म है जो basically बड़ी publicly listed companies में research करके fraud को expose करती हैं और उन companies पर एक short position लेती हैं। यानी इनको पता है कि इनके research के publish होने के बाद most likely उन companies की stock value गिरने वाली है। तो ये पहले उस company के stocks बेचते हैं और जब company की stock की value गिर जाती है तो उसको सस्ते भाव में खरीद लेते हैं। इन्होंने इस तरह का research और short पोजीशन निकोला नाम की कंपनी के साथ किया था और उनका स्टॉक भी गिरा दिया था। और इस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए हैं अडानी के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि अडानी पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े लेवल पर स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 218 बिलियन डॉलर्स का। उन्होंने अडानी के ऊपर अकाउंटिंग फ्रॉड का भी आरोप लगाया है और इस एलिगेशन को क्रेडिबिलिटी इस बात से भी मिलती है कि अगर आप देखें तो पिछले 2.5 सालों में अडानी की जो वेल्थ है वो 13 times इंक्रीज हुई है। हिंडनबर्ग का कहना है ये वेल्थ इंक्रीज मोस्टली अडानी के स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन की वजह से हुई है। अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग, अडानी की कई कंपनीज बहुत अनसस्टेनेबल डेट में चल रही हैं और उनका नेगेटिव फ्री कैश फ्लो भी चल रहा है और इन सब के बावजूद इनके स्टॉक्स 80% से ओवरवैल्यूड हैं। हिंडनबर्ग का ये भी आरोप है कि अडानी की कंपनीज वॉश ट्रेडिंग जैसी प्रैक्टिसेस करके अपने स्टॉक्स की आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ा रही हैं, ऐसा दिखाने के लिए कि इनके स्टॉक्स बहुत डिजायरेबल हैं स्टॉक मार्केट। हिंडनबर्ग ने ये भी बोला है कि इन्होंने सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया को भी कॉन्टैक्ट किया है जिनसे इनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि इन सारे चार्जेस पे सेबी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है अडानी को। अब इतने बॉम्बशेल रिपोर्ट की वजह से अडानी की नेटवर्थ बेसिकली एक हफ्ते में 50 बिलियन घट गई। पाकिस्तान भी बेचारा इस समय पे सोच रहा होगा कि यार हमें ही मिल जाता वो पैसा है, 2-3 साल के लिए बिजली भी आ जाती घर में। इस समय अडानी और पाकिस्तान के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है कि सबसे पहले कंगाल कौन बनेगा। लेकिन घबराइए नहीं, मुझे लगता है कि ये रेस आठवीं ताकत ही जीतने वाली है। इस कंट्रोवर्सी के निकलने के जस्ट पहले अडानी ने एक एफपीओ लॉन्च किया था जिसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, जिसमें कि एक स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिकली लिस्टेड कंपनी अपने स्टॉक्स ऑफर करती है लोगों को खरीदने के लिए। योर कंपनी इज ऑलरेडी लिस्टेड, योर शेयर्स आर ट्रेडेड, बट द प्रमोटर, द ओनर हु हैज हु वांट्स टू सेल अ बंच ऑफ हिज शेयर्स, इन दिस केस द अडानीज हैव अ लॉट ऑफ शेयर होल्डिंग, इट्स ऑलमोस्ट इन द 70s, सो दे कैन सेल सम ऑफ दोस शेयर्स। और इस एफपीओ में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जैसे कि सज्जन जिंदल, सुनील मित्तल और अंबानी जैसे लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था। और क्योंकि एफपीओ के बाद अडानी का स्टॉक इतनी जोरों से फ्लक्चुएट कर रहा है, इतनी जोरों से गिर रहा है, इसलिए इस डर से कि कहीं ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का पैसा भी ना डुबा दे, अडानी ने इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद इस एफपीओ को भी कैंसिल कर दिया है। यार ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट इतनी कारगर साबित हुई है कि राहुल गांधी और फरदीन खान भी सोच रहे होंगे इस समय कि यार हिंडनबर्ग को किसी तरह से मना के एक मोदी पर भी रिपोर्ट लिखवा देते हैं, उसी से मदद हो पाएगी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से तो मोदी की ही मदद हो रही है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको।
अब इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के रिस्पांस में अडानी ने एक 413 पेज का बहुत लंबा चौड़ा रिस्पांस भेजा है, लेकिन उसके रिस्पांस में फिर से हिंडनबर्ग ने रिप्लाई किया और कहा कि भैया इन 413 पेजेस में से सिर्फ 30 पेजेस रेलेवेंट हैं और हमारे मेजॉरिटी सवालों का यानी 88 क्वेश्चंस का तो जवाब भी नहीं दिया है इस रिपोर्ट में। इनफैक्ट हिंडनबर्ग के मुताबिक जो जवाब भेजा है अडानी ने उससे जो एलिगेशंस लगाए थे इनिशियली हिंडनबर्ग ने वो और भी पुख्ते हो जाते हैं। दे स्टैंड बाय द रिपोर्ट एन अडानी ग्रुप रिस्पांस आर्ग्यूड पॉइंट्स वी डिड नॉट रेज। अब इस सारी कंट्रोवर्सी और प्रेशर के रिस्पांस में अडानी के सीएफओ ने हाल में ही आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बैकग्राउंड में भारत का फ्लैग लगा के रखा हुआ था और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया ये अडानी पे जो अटैक है वो एक तरह से भारत पर अटैक है और ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक तरह की फॉरेन कंस्पिरेसी है भारत के खिलाफ, भारत का नाम खराब करने के लिए। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या इस तरह के इंटरनेशनल थिंक टैंक्स और जो रिसर्च ग्रुप्स होते हैं क्या उनको सही मायने में ट्रस्ट किया जा सकता है? देखिए पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि फ्रीडम हाउस और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिन्होंने इंडिया के ऊपर डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम के रिपोर्ट्स निकाले हैं और इंडिया को डाउनग्रेड किया है उनमें, इन ऑर्गेनाइजेशंस की मेथोडोलॉजी और फंडिंग ऐसी होती है कि अक्सर इन ऑर्गेनाइजेशंस पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने पाया था कि 12 से ज्यादा प्रोमिनेंट रिसर्च थिंक टैंक्स जो हैं अमेरिका के उनको फॉरेन गवर्नमेंट से करोड़ों रुपए मिले हैं। अमेरिका की सबसे रिस्पेक्टेड थिंक टैंक्स में से एक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट, उनको कतर से बहुत बड़े बड़े डोनेशंस मिलते हैं, उनको चाइना से बहुत बड़े बड़े डोनेशंस मिलते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का एग्जांपल ले लीजिए, उनकी वेबसाइट पे आप देखेंगे कि उनको यूरोपियन यूनियन से, फ्रांस से और स्वीडन जैसे देशों से फंडिंग मिलती है। फ्रीडम हाउस जिन्होंने इंडिया को हाल में ही पार्टली फ्री डिक्लेयर किया था, उनको खुद यूएस गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों से फंडिंग मिलती है। इसीलिए तो वो इंडिया की डेमोक्रेसी को डाउनग्रेड कर सकते हैं लेकिन स्वीडन में जो इमिग्रेंट्स के रायट्स हो रहे हैं उस पर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन से और देशों से इनको फंडिंग मिल रही है, बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, उस फंडिंग को आप देखकर सोच सकते हैं कि इनकी रिसर्च सही मायने में कितनी अनबायस्ड होगी। उनकी रिसर्च तो वैसे ही अनबायस्ड है जैसे ढिंचक पूजा एक बहुत फेमस पोएट है। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी बायस्ड है? अगर आप आर्ग्यूमेंट्स भी देखें हिंडनबर्ग के तो जनरली काफी सॉलिड दिखते हैं और हिंडनबर्ग इंडिया को अटैक नहीं कर रहा है। हिंडनबर्ग क्लियरली बोला है कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और भारत की ग्रोथ वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो इंडिया को ब्लेम नहीं कर रहे, वो सिर्फ अडानी को ब्लेम कर रहे हैं और सिर्फ अडानी को टारगेट कर रहे हैं। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि अडानी के सीएफओ जो हैं वो कुछ और ही क्लेम कर रहे हैं। इनफैक्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के बिहेवियर से भी क्रेडिबिलिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट स्वीस और सिटी बैंक ने अडानी के बॉन्ड्स को प्राइवेट क्लाइंट्स के लोन्स में कोलैटरल की तरह लेने से इनकार कर दिया है, इसके बावजूद कि अडानी ने कभी भी किसी लोन रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है अडानी के लिए। तो इसको तुरंत एक फॉरेन कंस्पिरेसी बोल के कि भैया ये तो भारत की इमेज खराब करने के लिए किया गया है, इल्यूमिनाटी जो है वो भारत को रोकना चाहती है, ये कहना मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली ठीक है इससे पहले कि हमारे पास पूरा प्रूफ आए। तो अडानी के साथ आगे जाके क्या होने वाला है? देखिए मुझे लगता है कि अडानी इंडिया में एक तरह से ऑलमोस्ट टू बिग टू फेल हो गए हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया इससे मोदी की इमेज बहुत खराब होने वाली है क्योंकि मोदी ने अडानी के साथ प्रोजेक्ट्स किए हैं। हाँ भाई सही बात है, ये देखिए मोदी और अडानी की पार्टनरशिप, ये देखिए मोदी और अडानी की पार्टनरशिप, ये देखिए मोदी और अडानी की पार्टनरशिप। सीधी बात यह है कि भारत में कोई ऐसी बड़ी मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसकी अडानी के साथ रिलेशनशिप ना हो या जिसके अडानी के साथ प्रोजेक्ट्स ना हो। और क्योंकि अडानी की इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रिलेशनशिप्स है इसलिए मुझे लगता है कि अडानी को ये डूबने नहीं देंगे कम से कम। इनफैक्ट इंडिया का बैंकिंग सिस्टम भी काफी लिंक्ड है अडानी के साथ। बट द फैक्ट इज दैट इफ देयर एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन और देयर प्रोजेक्शन ऑफ एन 85% डिक्लाइन इन अडानी स्टॉक प्राइसेस कम्स ट्रू, एंड आई एम वेरी केयरफुल पुटिंग दोस कोट मार्क्स लाइक दैट, इफ इट कम्स ट्रू देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ डैमेज सफर्ड बाय सम इंडियन बैंक्स and also some mutual funds. So most mutual funds in India are not investors in Adani stock, but a lot of debt mutual funds might have lent money to Adani out of their liquid funds, for example, or debt funds, for example, because Adani has shifted aggressively to bonds over the past few years, say over the past 3 or 4 years, to reduce their dependence on banks. So once again, Adani Group is so big and so critical to the Indian banking sector that if this crisis continues,
This affects all of the stock markets and particularly the Indian banking sector. और देखिए एंड में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरह से बैंकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें मैंने मिस की हैं, बहुत सारी चीजें मुझे समझ में भी नहीं आई हैं, और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आए जिससे कि ये वीडियो पूरी तरह से रिडंडेंट हो जाए और इररेलेवेंट हो जाए। लेकिन फिर भी ये चार्जेस काफी सीरियस हैं। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये देखने में कि अडानी क्या इन चार्जेस को प्रॉपरली रिफ्यूट कर पाते हैं या नहीं, और अगर ये चार्जेस प्रूव होते हैं तो क्या गवर्नमेंट इनके ऊपर कुछ कड़ा एक्शन लेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट रिलायबल है या नहीं है, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो रिलायबल है या नहीं है, आपको क्या लगता है आगे जाकर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आप अगर हमारे मूवीज के बारे में और जानना चाहते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं, हिस्ट्री के बारे में और जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे दूसरे वीडियोस भी चेकआउट करें। अगर आप श्याम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। अगर आप श्याम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे श्याम शर्मा शो के पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके मक क्लब भी ज्वाइन करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेकंड। वाह, तो कल भी हमने वीडियो बनाई थी हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर, वो आप जरूर चेकआउट कीजिए। लेकिन कंक्लूजन उसका ये था, और इस वीडियो का भी कंक्लूजन मुझे ये लग रहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने बहुत ही ऑब्जेक्टिव जो है वो एलिगेशंस लगाए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर। और हमने देखा था कि उन्होंने 100 पेजेस की रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है, और उसमें जो है वो क्लेम ये कर रहे हैं अडानी ग्रुप की 2015-16 का डेटा लिया गया है, मोस्ट रिसेंट डेटा नहीं है जो फाइनेंशियल क्लेम्स बनाने के लिए यूज़ किया है। अगर तो वो सही है कि उन्होंने पुराना डेटा लिया है, तब तो अडानी ग्रुप जो है वो उस रिपोर्ट को कॉन्टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर उन्होंने लेटेस्ट डेटा लिया है और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो उन्होंने प्रेजेंट किए हैं वो करेक्ट है, देन अडानी ग्रुप विल बी इन ट्रबल। ये तो ज़रूरी है। और दूसरा, मैंने कल ये भी बात कही थी कि जैसा अडानी ग्रुप ने रिस्पॉन्स दिया है वो भी हमने कल डिस्कस किया था, वो कोई इतना मुझे सॉलिड लगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ जैसे रिफ्यूट करने होते हैं ना कमेंट, कि आपने ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया तो मैं सीधा कह दूं कि नहीं, मैं नहीं इसको मानता, दैट्स नॉट द वे। उसमें पूरा सॉलिड प्रूफ उनको देना पड़ेगा कि ये हमारा डेटा है और इस तरीके से हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये हमारी डेट सिचुएशन है और इस तरीके की हमारी शेयर होल्डिंग है। खासतौर पर एक जो स्पेसिफिक कमेंट था कि अडानी की कंपनी के शेयर्स जो हैं वो उन्होंने ही खरीदे हैं एक दूसरे तरीके से, कि मॉरिशियस में उनके किसी रिश्तेदार की कोई कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ ने अडानी ग्रुप के ही शेयर खरीदे ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंट्रोल जो है वो अडानी ग्रुप या अडानी फैमिली के अंदर ही रहे। तो इस एलिगेशन का अडानी ग्रुप ने जवाब ये दिया था कि सिंस 25% ऑफ द शेयर्स जो है वो पब्लिक को ऑफर करने होते हैं बाय इंडियन रेगुलेशंस, तो उसमें कौन खरीदता है कौन बेचता है इससे हमें इसका हमें कोई नॉलेज नहीं है। बट ये बहुत ही वीक रिस्पॉन्स है, इसको सॉलिड तरीके से बनाना पड़ेगा कि भाई उन्होंने खरीदे हैं, उनकी फैमिली के ग्रुप ने खरीदे हैं या नहीं खरीदे हैं, दैट्स नॉट आंसर्ड। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप को बहुत सारे जो है वो जवाब देने पड़ेंगे। और जैसा कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि सेबी जो है वो इनको इन्वेस्टिगेट ऑलरेडी कर रही है, तो ये स्क्रूटिनाइज तो होगा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और उसके बाद शेयर होल्डिंग क्या है और बाकी सारी माल प्रैक्टिसेस जो भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो है पॉइंट आउट की है, उनके आंसर्स तो अडानी ग्रुप को देने पड़ेंगे। और ये कहना कि ये इंडिया के ऊपर अटैक है, मुझे नहीं लगता ये सही है। हमने कल भी बात की थी कि ये ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी को एक झटका तो देगा, लेकिन ये डायरेक्टली इंडिया के ऊपर अटैक है, मुझे नहीं लगता ये बात सही है। क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप में ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं दी गई जो खासतौर पे इंडियन बिजनेस प्रैक्टिसेस को पॉइंट आउट करती हूँ। उन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप को, अडानी ग्रुप को लिया, उसकी उसका एनालिसिस किया, उसके डेटा के साथ अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट की हैं। हाँ, वो स्टेटमेंट्स गलत हो सकती हैं, हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, वी आर नो वन टू जज इट। उसको जज करने के लिए इंडिया के कोर्ट्स हैं, इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो अपना स्टेटमेंट देगी, पूरा ऑडिट करके पूरा समझ के वो ही अपना स्टेटमेंट देगी। हम तो रिपोर्ट को पढ़ के समझ के अपना एनालिसिस ये दे सकते हैं कि रिपोर्ट जो है वो बहुत सही तरीके से बनाई गई है, उसमें किसी की भी फंडिंग हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, चाहे हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना पैसा कमाना हो बाय शॉर्ट सेलिंग या ये वो, लेकिन उसको बनाया अच्छे तरीके से गया है, उसको प्रेजेंट जो है वो फैक्चुअल मेथड से, ऑब्जेक्टिव मेथड से किया गया है। अब वो फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स जो उन्होंने क्लेम किए हैं वो कितने सही हैं कितने गलत हैं,
ये इंडियन कोर्ट्स को और इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को डिसाइड करना है, और जो भी गलत होगा उसको उसकी पेनल्टी जो है वो भरनी पड़ेगी, और ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में, हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन जो अडानी ग्रुप के CFO हैं, अगर वो इन टैक्टिक्स में जा रहे हैं कि अडानी ग्रुप के ऊपर अटैक, इंडिया के ऊपर अटैक है, तो मुझे लगता है कि वो वीक रिस्पॉन्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन कोर्ट्स विल ऑल्सो नॉट एक्सेप्ट दैट। इंडियन कोर्ट्स विल आस्क द आंसर्स रिलेटेड टू द डेटा दैट इज प्रेजेंटेड टू दैम। तो क्योंकि इंडिया को भी अपना, इंडिया अगर ग्रोइंग इकोनॉमी है, $5 trillion की इकोनॉमी बनने का सपना आगे रख रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो है वो स्टार्टअप इंडिया, बिजनेसेस को इंडिया में लाने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाने के लिए अगर इतना एफर्ट कर रहा है, तो इंडिया को ये रेगुलेटरी प्रोसेस जो है इसको भी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई कंप्लेंट लेके किसी कॉरपोरेट सेक्टर के बारे में जाए इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास, तो वो पूरा उसको इन्वेस्टिगेट करके जो सच है उसको सामने लेके आए, ताकि इंडियन इन्वेस्टर्स का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन बिजनेसेस में जो है इंटरेस्ट बना रहे और स्टेबल एक बिजनेस इन्वायरमेंट इंडिया को देखने को मिले। अब अडानी ग्रुप ने जो 400 पेजेस का रिस्पांस जो है हिंडनबर्ग रिसर्च को दिया, उसमें जैसे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि 32 पॉइंट्स ही उन्होंने एड्रेस किए, बाकी क्वेश्चन 88 क्वेश्चन आई थिंक उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किए, और उसमें से भी कुछ क्वेश्चन हमने कल आई थिंक स्कूल की वीडियो बनाई थी, उसमें हमने डिस्कस किए थे कि अडानी ग्रुप का रिस्पॉन्स कैसा था। तो अडानी ग्रुप का बहुत कैजुअल रिस्पॉन्स था और नॉन ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स था, मुझे ये लगा, क्योंकि ये बहुत आसान होता है कि जैसे हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट बना दी और एक्यूजेशंस कर दी। अब लेट्स से अज्यूमिंग कि एक्यूजेशंस अगर गलत हैं, तो फिर भी अडानी ग्रुप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो गलत है, क्योंकि एक्यूजेशंस लगाना बहुत आसान होता है, एक्यूजेशंस को सही या गलत प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, और ये अनफॉर्चुनेट बात है कि जिसके ऊपर एक्यूजेशंस लगे हैं उसी को इसके बारे में एफर्ट करना पड़ता है, बट दैट्स द वे वर्ल्ड वर्क्स। और अभी इसको जो है वो इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज देखेंगी, और वी ऑल विल बी वेटिंग के जो भी हो और जो भी सच सामने आए वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बेटर हो, और इंडिया जो है अपनी प्रोग्रेस के पाथ में आगे बढ़ता रहे। और जैसे ये पॉलिटिकल कनेक्शंस की बात की इन्होंने, और पॉलिटिकल कनेक्शंस तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन के हर एक के साथ होंगे, क्योंकि आज पावर में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, तो इंडिया में इलेक्शंस होंगे, कोई भी हर एक को इक्वल चांस है प्राइम मिनिस्टर बनने का, और सबके साथ बिजनेसमैन के तो सबके साथ कॉन्टैक्ट्स होंगे ही, क्योंकि उसको हर स्टेट में जो है अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं या एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, तो तभी तो वो अपना जो है एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकेंगे। तो ये तो कहना ही बिल्कुल बेकार है कि मतलब सिर्फ एक पार्टी के साथ या एक पोलिटिकल लेग के साथ बिजनेसमैन के कॉन्टैक्ट्स होंगे। और दूसरी बात जो जनरल रिसर्च की बात की, जिसमें जो है वो इंडिया की रेटिंग्स जो डाउनग्रेड की गई या बाकी चीज़ें, वो यूएस का सेट पैटर्न है, यूएस की नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या जो ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बने ही इस पर्पज़ के लिए हैं कि जो डोनर्स इनको मनी देंगे उसके हिसाब से ये अपनी रिसर्च करके उसको पब्लिश करेंगे, बिकॉज anyway, किसी भी रिसर्च इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। अब जहाँ से पैसा आएगा उस हिसाब से अगर काम नहीं करेंगे तो वो फाइनेंशियल बॉटलनेक बन जाएगा उनके लिए, तो ये तो इशू है और ये रहेगा, इसका कोई जिसको कहते हैं सोल्यूशन नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द वे कि अगर किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जो है वो गलत हो तो उसको स्ट्रांगली जो है वो कोर्ट्स में परस्यू किया जाए और उसके ऊपर हैवी फाइन्स लगाए जाएँ, ताकि जितना डोनेशन से पैसा आया है वो फाइन्स में जाए, तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो सही ढंग से सोच समझ के ही अपनी रिसर्च जो है पब्लिक करेंगे, पब्लिक डोमेन में लाएंगे। तो ये मेरे विचार हैं इसके बारे में। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आपकी कोई भी फरमाइश है, कोई वीडियो आप चाहते हैं हमें देखनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमें बताइए। आपकी कोई और भी फीडबैक है वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप अपनी वीडियो रिक्वेस्ट जो है हमें दे सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, stay healthy, bye bye.